लाहौर में नवाज शरीफ के घर के पास आत्मघाती हमलावर खुद उड़ा, 9 मारे गए, 25 घायल। बुधवार को एक किशोरावस्था में आत्मघाती हमलावर ने पाकिस्तान के निर्वासित प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के निवास के पास खुद को उड़ा दिया, जिसमें 5 पुलिसकर्मियों सहित 9 लोगों की मौत हो गई। बचाव अधिकारियों के मुताबिक यह बम धमाका शरीफ परिवार के महल के निवास से कुछ किलोमीटर दूर एक चेक पोस्ट के करीब हुआ और टेबल हेजी जमात केंद्र की कली सिया के बगल में हमले में लगभग 25 लोग घायल हुए थे। बम विस्फोट में 5 पुलिसकर्मी, 2 निरीक्षक और 3 कांस्टेबल 9 व्यक्तियों की मौत हो गई है। विस्फोट में 25 घायल हो गए थे, जिनमें से 14 पुलिसकर्मी थे। 4 पुलिसकर्मियों की हालत गंभीर है। बचाव 1122 प्रवक्ता जाम सिजाद ने बताया। उन्होंने कहा कि बचाव एम्बुलेंस ने घायल लोगों को शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स और अन्य पास के अस्पतालों में स्थानांतरित कर दिया है। पुलिस महानिरीक्षक पंजाब आरिफ नवाज ने पुष्टि की कि यह एक किशोर लड़के ने किया आत्मघाती हमला था, जो खुद को चेक पोस्ट के पास उड़ा दिया। लाहौर के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस डॉ हैदर अशरफ ने कहा, एक किशोरावस्था वाले लड़के ने गोलीबारी केंद्र के करीब स्थित चेक पोस्ट में खुद को उड़ा दिया, जहां कम से कम 14 या तो पुलिस मौजूद थी। हालांकि उसने लड़के की सही उम्र नहीं दी। उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मचारी ब्लास्ट का लक्ष्य थे। कुछ पुलिसकर्मियों की हालत महत्वपूर्ण है, उन्होंने कहा। यह एक शक्तिशाली विस्फोट था कि इसकी आवाज साइट से कई किलोमीटर की दूरी पर सुनाई गई थी। निसार पुलिस चेक पोस्ट में बम विस्फोट के बाद आग लग गई। कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने विस्फोट की जिम्मेदारी ली है। लाहौर में पाकिस्तान सुपर लीग के सेमीफाइनल में एक हफ्ते पहले आत्मघाती हमला हुआ है। अशरफ ने कहा, पीएसएल सेमीफाइनल कार्यक्रम में निर्धारित समय के अनुसार लाहौर में आयोजित किया जाएगा, क्योंकि हम इस संबंध में सभी सुरक्षा व्यवस्था कर चुके हैं। पाकिस्तानी रेंजर्स की त्वरित प्रतिक्रिया बल घटनास्थल पर पहुंच गया है और पुलिस के साथ क्षेत्र को घेर लिया है। यह पहला विस्फोट है जो 2018 में प्रांतीय राजधानी को लक्षित कर रहा है। लाहौर ने 2017 में कई आतंकवादी हमलों में 60 सेकंड ज्यादा लोगों की मौत की थी।